मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, साथ ही और जोर से और साथ ही मैं यहां पर उपस्थित पीएस जनसंपर्क एवं जो सेक्रेटरी साहब फाइनेंस यहां पर उपस्थित है, साथ ही जितने पत्रकार साथी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां पर उपस्थित है, उन सभी का मैं ये बजट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो आज बजट पेश हुआ है, उसके संबंध में जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये बजट बनाते समय जो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से जो मार्गदर्शन मिले हैं और जो बजट के फोकस के पॉइंट्स हैं, सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये था कि बजट जो हम बना रहे हैं अगले 5 साल का रूट मैप के हिसाब से हमको बनाने की निर्देश मिले थे, उसी तारतम्य में हमने इनको बनाया है। और हमारा लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में हमारा बजट दुगना हो। इसके लिए हमको करीबन 14.5% के ग्रोथ की आवश्यकता थी, उसी अनुसार हम लोगों ने इस ग्रोथ के आधार पर हम लोगों ने ये बजट बनाया है। साथ ही हमारा इस बजट के उद्देश्य में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि हम कैपिटल वर्क्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तो हम लोगों ने पूंजीगत व्यय को भी उसी सीमा में बढ़ाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसी तरह इंडस्ट्री डेवलपमेंट में का भी फोकस रहा है। हम लोगों ने जब ये बजट की प्रक्रिया शुरू की, हम लोगों ने आवेदन और रिक्वेस्ट मिले हैं और सुझाव मिले हैं, उसको भी हमने कोशिश की है कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी सुझाव हैं उसको शामिल किया जाए। जैसे कि आपको विदित है कि हमारा बजट का कुल जो विनियोग राशि है वो 3,65,067 करोड़ की है। अगर हम इस विनियोग को ब्रेकअप करें तो हमारी जो कुल प्राप्तियां हैं वो पिछले वर्ष से करीबन 17% की ग्रोथ है। इसमें आप विशेष कर देखेंगे कि जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं जिससे कि हम लोग मेन हमारा आय आता है, वो भी करीबन 17% की ग्रोथ है। उसी तरह व्यय में अगर पूंजीगत व्यय देखेंगे तो करीबन हम लोगों ने 15% बढ़ाया है और कुल व्यय हम लोगों ने 16% बढ़ाया हुआ है। और एक अच्छा पैरामीटर जो बजट का कहलाता है, जो कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस होने की बात होती है, तो हम लोग इस बार इस बजट में 1700 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन कर रहे हैं। अगला अगर हम प्राप्तियों को और ब्रेकअप करेंगे तो राज्य कर से हमको करीबन 1,02,000 करोड़ का प्राप्ति होना है, जो कि पिछले साल से 18% की ग्रोथ है। केंद्रीय करों में हिस्सा हमारा 19% की ग्रोथ है पिछले साल से। करित्र राजस्व में 38% है। इस तरह हमारा कुल प्राप्तियां जो हैं 17% की ग्रोथ पे है। अगर हम ये देखें कि हमारी जो आय आ रही है उसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे कि कहां कहां से आ रहा है, तो सर्वाधिक 31% हमारे राज्य कर से आ रही है और 29% हमारे केंद्रीय करों से हिस्से में, और केंद्र से जो हमारा ग्रांटी नेट मिलता है वो 14% के करीब है। अगर कर राजस्व को और ब्रेकअप करेंगे तो जीएसटी से हमको करीबन 61,000 करोड़ का है, एक्साइज से 16,000 करोड़ की और स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क का 12,500 करोड़ का है। इस तरह से विगत वर्ष से अगर हम वृद्धि देखेंगे मात्र सिर्फ कर राजस्व में, वो 18% की है। अगर कर राजस्व को हम ब्रेकअप करेंगे तो करीबन हमारा 60% जो है वो अकेला जीएसटी से आता है और हमारा 12% स्टाम्प से और एक्साइज से 16%। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो विगत वर्ष से करीबन हमारा 10% की ग्रोथ है। इसमें मुख्यतः जो खनिज से हमको 11,500 करोड़ प्राप्त होना संभावित है। करेत्तर राजस्व में मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि खनिज का है, वो करीबन 56% का रोल प्ले करता है। अब अगर हम व्यय की बात करें तो ओवरऑल व्यय जो है 16% से बढ़ रहा है, जिसमें कि हमारा राजस्व व्यय है 2,61,000 और पूंजीगत व्यय है 64,738। अगर हम कुल बजट की हिस्सेदारी बात करें कि हम किस किस क्षेत्र में कितना कितना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक हम अधोसंरचना क्षेत्र में 15% दे रहे हैं
बजट का कुल, और नगरी एवं ग्रामीण विकास में 12%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 13% और शिक्षा क्षेत्र में 11%। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा हमेशा एक व्यू रहा है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो लगातार आप देखेंगे कि वी हैव ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस साल पिछले साल से मुकाबले हम लोग पिछले साल 56,000 करोड़ पे थे, अब की बार हम 64,000 करोड़ पे जा रहे हैं। उसी तरह राजस्व व्यय हमारा 225 से बढ़कर 261 है। अगर हम राजकोषीय घाटा GSDP के अनुपात में बात करेंगे तो अभी 4.11 पे हैं। भारत सरकार द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो 4.12 पे हैं। हम लोग उसी की सीमा के अंदर में रहते हुए इस बजट का हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर हम एक मुख्य बिंदु ये रहता है कि हमारे कुल बजट में से हम लोगों ने कितना प्रतिशत SC ST के लिए हमने रखा हुआ है, ये पॉपुलेशन वाइज रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा बजट के हिसाब से 60% जनरल कैटेगरी को, 23% हमारा ST कैटेगरी और 16% जो है SC कैटेगरी, जो हमारे पॉपुलेशन के आधारित है। अगर हम स्पेसिफिक कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो हम लोग अराउंड 15% की ग्रोथ है पिछले वर्ष से। इसमें सर्वाधिक जो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में पिछले साल जो 17,000 था वो बढ़कर अब 19,000 करोड़ हुआ है। इस तरह से कुल कृषि क्षेत्र में 22,000 से बढ़कर 26,000 करोड़। उसी तरह अगर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा कहीं पे वृद्धि हुई है तो इस क्षेत्र में हुई है, वो है 56% की। अगर महिला बाल विकास का बजट देखेंगे तो 14,500 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हुआ है, और ओवरऑल दोनों क्षेत्रों को मिलाएंगे तो 30,000 से बढ़कर 48,000 हुआ है। उसी तरह अगर शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेंगे तो हमारा 4% की ग्रोथ है। स्कूल शिक्षा में 31,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ है, और ओवरऑल हम शिक्षा क्षेत्र को लेंगे जिसमें कि हमारा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग है, वो 39,000 करोड़ से बढ़कर 41,000 करोड़ है। अगर हम सिर्फ SC ST OBC कैटेगरी की बात करें तो 10% का ग्रोथ है पिछले साल से। ये हमारा 19,000 से बढ़कर 21,000 करोड़ पे इस साल बजट बना है। अगर हम अधोसंरचना क्षेत्र की बात करें, इसमें हम लोगों ने सीमित कोर जो अधोसंरचना विभाग है वो लिए हुए हैं, जैसे कि ऊर्जा, PHE, NVDA, WRD। इसमें हमारा 49,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक है, करीबन 9% की ग्रोथ है। नगरी एवं ग्रामीण विकास में बात करेंगे तो करीबन 13% की ग्रोथ है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो 24,000 करोड़ से बढ़कर 27,000 करोड़ का है, और ओवरऑल बजट बहुत नगरी एवं ग्रामीण का मिला के 39,000 से बढ़कर 44,000 करोड़ है। इसमें मुख्यतः ये है कि इस साल हम लोगों ने सिंगस्ट के लिए नवीन योजना भी खोली है नगरी विभाग में, और इस साल हम लोगों ने शुरुआत 500 करोड़ से शुरुआत की है। तो आगामी जो सिंगस्ट 2028 में होना है उसके लिए तैयारियां अभी इसी बजट से हमने शुरू की हुई है। अगर हम संस्कृति संवर्धन की बात करेंगे तो करीबन 35% की ग्रोथ है। जैसे कि संस्कृति विभाग का आप देख सकते हैं कि 719 करोड़ से बढ़कर हम लोगों ने 1,000 करोड़ के करीब किया हुआ है। ओवरऑल बजट 1100 से 1494 करोड़ तक बढ़ा हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ पिछले साल से 39% का बढ़ोतरी है, और औद्योगिक नीति में 2,000 करोड़ से बढ़कर 2820 करोड़ है, और ओवरऑल में 3,014 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ किया गया है। अगर हम सामान्य सेवाएं की बात करें जिसमें कि जैसे गृह विभाग, राजस्व विभाग आदि आते हैं, वो 14% की ग्रोथ है, जो 29,000 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ है। इस साल हम लोगों ने नवीन योजनाएं खोली हैं, जैसे कि एक कृषकों के लिए फसल उपार्जन पर बोनस के लिए हम लोगों ने भुगतान के लिए तो नवीन योजना खोली है, जिसमें हम लोगों ने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे पूर्व में जैसे मैंने आपको अवगत कराया है कि सिंगस 2028 के लिए हम लोगों ने नई स्कीम खोलकर इस बार हमने शुरुआत की है। उसी तरह नगर में वनीकरण के लिए हम लोगों ने नवीन योजना इस साल से प्रारंभ कर रहे हैं। ई बस सेवा भारत सरकार के सहयोग से हम लोग PM ई बस सेवा भी इस साल हम लोग शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों में मृत्यु उपरांत मतलब विथ रेस्पेक्टेबल बॉडी का हम लोग प्रॉपर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको और रिलेटिव्स को सौंपा जा सके और उनके घर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा का इस साल शुरुआत किया हुआ है।
उसी तरह पीएम श्री हेली एवं पर्यटन वायु सेवा शुरू की हुई है, और जो गरीब कैदियाँ होते हैं जो अपने अंडर ट्रायल्स हैं, जो अपने स्मॉल पेनल्टीज़ की राशि चुका नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता योजना भी प्रारंभ की हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। अब आप किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बनाएंगे और लागू करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तो उसमें कितना खर्च आएगा? और इसी से जुड़ा हुआ यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करें, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से, तो इस दिशा में आपने सारे ऑफिस के लिए क्या प्रावधान किया है बजट का? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि ई विधान, ई कैबिनेट और ई विधायक, हमने ये तीन कंपोनेंट्स रखे हैं इसमें। सो ई विधान है जो हमारा ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये विधानसभा है, इसमें जो भी हम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की एक योजना है, उसको साथ में लेते हुए हम ई विधान की योजना को लागू करेंगे। जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट में जो हमारे मुद्दे आते हैं उसके लिए आपको पता है कैबिनेट नोट बनती हैं, बहुत सारे कागज का उपयोग होता है, वो सब चीज़ें बंद करके हम उसको ई फॉर्मेट में ले जाएंगे, उसका भी इसमें प्रावधान है। और माननीय विधायकगण, आज पता है आपको कि बहुत सारे लोग आज डिजिटल माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, तो माननीय विधायकगण अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अधिकारियों से या अपने दूसरे मंत्री साथियों के साथ जो मीटिंग्स होती हैं, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होती हैं, उनमें ई माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के लिए उनका जो ऑफिस होता है उसके लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में हमने स्टार्ट किया है। ये मेरा सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके इस बजट में आ रही है ही नहीं कहीं पर, पिछले बार के बजट में भी आ रही नहीं था, तो बी एक्चुअली ये कैसे मान लिया जाए, पहला सवाल। दूसरा, केंद्र सरकार का बजट अभी आया नहीं है, तो आपका आ रही फिर गड़बड़ाएगा बाद में जा करके, तो वो बी जो आपने बनाया है वो कैसे एक्चुअल मान लिया जाए? आरी का प्रावधान उसमें है, हमें तो दिखाई नहीं अभी पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं। बजट प्रेजेंटेशन है, बजट की पुस्तिकाएं और बजट की पूरा जो साहित्य होता है वो आप, तो सर प्रेस को उसका पता पिछले बार भी नहीं था, इस बार भी आ रही नहीं, वो अभी उपलब्ध करवा दे, वो उपलब्ध करवा देंगे सबको, वो सबको उपलब्ध होगा सर, आरी के नंबर्स उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। ये प्रेजेंटेशन है वो संक्षिप्त में हम उसको आपके सामने रखते हैं, आरी के जितने नंबर्स हैं वो सब आपको आपके साथ जो बजट साहित्य है उसमें पूरे दिए गए हैं, और उस पर हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, वो जो उसका जो ढांचा है वो सीएजी से मैंडेटेड है। और दूसरा सर, केंद्र का बजट आया नहीं, आपने कैसे? बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बैठ जाएं। अभी केंद्र का बजट नहीं आया है सर, करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, देवड़ा जी सर यहाँ पे सर, सर आपके आपकी बीजेपी सरकार उचित होगा। एक मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो अपना ओपनिंग बैलेंस सीट पहले रखती है, तो हमें इतना बता दिया जाए कि पिछली सरकार में आपके ऊपर कर्जा कितना था, और उस कर्जे को ब्याज को पटाने के लिए आपके पास क्या प्रावधान है, ये पहला सवाल है। दूसरा, आपने जो शेर शायरी से आपने अपना सदन में बजट की शुरुआत की, मैं ये कह सकता हूँ सदन बहरा था और आप सुना रहे थे, लेकिन यहाँ कोई बहरा नहीं, यहाँ सब सुनने के लिए तैयार हैं। सबल भुजाओं में लक्षित है नौका भी पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करें मझधार। मझधार का जो शब्द का उपयोग किया है उसके कई अर्थ अलग अलग हैं। तो मेरा पहला सवाल तो ये था कि आप कर्ज बता दें कि कितना है आपके ऊपर, उसका ब्याज कितना होगा। दूसरा सवाल ये है कि लाडली बहना योजना में आपने 19,000 करोड़ का प्रावधान किया। तीसरा सवाल हो रहा है, एक मिनट रुक गया, लाडली बहना योजना में 19,000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो क्या लाडली बहना योजना की जो 1200 की राशि है उसे आप क्या 1500 या 3000 तक बढ़ाने वाले हैं? पहला प्रश्न आपका,
पहला प्रश्न आपका कर्ज से संबंधित है। जो राज्य कर लेते हैं उसके लिए हमारा खुद का राज्य का FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। इसके ऊपर हमें फाइनेंस कमीशन के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से भी मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं और वर्तमान सीमा जो है उसकी सामान्य सीमा एक होती है 3% पे है, 3% ऑफ GSDP। उसके ऊपर कुछ एनर्जी सुधार के लिए 0.5 का एडिशनल हमें स्पेस दिया जाता है और उसके ऊपर जो भारत सरकार 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देती है उसको हम जोड़ते हैं। ये कुल मिला के जो पिछली बार हमने पिछले साल में 3.6% जो GSDP था उस वहां तक पहुंचे जबकि वो सीमा 4.12 की थी। इस साल भी हम 4.12 की सीमा के अंदर ही 4.11% तक ही अपना कर्ज का या जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रखने के लिए प्रावधानित किया है। कर्ज की राशि पूरी बताएं। बता रहे रुकिए I'll share that also with you। एक मिनट मैं उत्तर कर लूँ इसका। जो हमारा टोटल कर्ज इस समय प्रदेश का है वो है चार नहीं हाँ इट इज अनुमानित जो है इस साल जो हम बोरोइंग करेंगे उसको जोड़ के 3,75,579 तक पहुंचने का हमारा अनुमान है 589। और इसमें जो ऋण भुगतान है वो भी हमने 21,072 करोड़ का ऋण भुगतान हमारा संभावित है। पर ये स्पष्ट कर लीजिए कि जो 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 निर्धारित सीमाएं हैं मध्य प्रदेश ने कभी उन निर्धारित सीमाओं से बाहर जाके बोरो नहीं किया है। साथ ही जो हमारा बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है। 1700 का सरप्लस है हमारे बजट में जो अनुमानित बजट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे रेवेन्यू आय से कम होगा और जो 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 हमारा बोरोइंग है वो केवल हम पूंजीगत कार्यों में उसको खर्च करते हैं। पूंजीगत कार्य जैसा कि बताया मेरे साथी ने कि पूंजीगत कार्य वो है जिससे आपको इकोनॉमी में मल्टीप्लायर्स मिलते हैं। तो जो जो भी निर्धारित मापदंड हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस पे मध्य प्रदेश खरा उतरता है। मेरे साथ में बैठे प्रमुख सचिव वित्त जनसंपर्क और मेरे सहयोगी साथी उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी सम्माननीय साथीगण, आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे और कुछ प्रश्न भी हैं। लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में, अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है वो सुनते तो। मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में सदन में जब बोल रहे थे तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया, बहुत लंबा समय दिया। एक ध्यानाकर्षण में आज तक के इतिहास में इतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया, पूरी बात उनको सुनने दी।
पूरे विषय पर वो बोले, तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था कि आज वहां पर आकर के वो ऐसा आचरण करते। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसकी तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्ध जनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की, सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है हमने पिछले बजट से। अब जहां तक रहा सवाल कर्जे का, अभी हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया था, कर्जा कोई ऐसी सरकार नहीं होगी इस हिंदुस्तान में प्रदेशों की जो कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों के लिए व्यय करना और लंबे समय तक के लिए, जैसा पीएस ने सारी बात विशेष तौर से बताई है, पर मेरे सामने तो और पिछला इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में तो वेतन भत्ते, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते दिए, स्थापना में खर्च किया, लेकिन ये ईश्वर की कृपा से मध्य प्रदेश में भी और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया ऐसा कि ऐसा कोई करना पड़े। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है और प्रदेश का विकास किया है। हमने बहुत अच्छी इस मध्य प्रदेश में सड़कें बनी है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबका अनुभव है। सिंचाई योजनाएं हमने बनाई है, हमने कॉलेज, स्कूल, जो भी डेवलपमेंट हमने तालाब, स्टाफ डैम जो भी करना थे वो सारे विकास के काम करने में हमने खर्च किया है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ भी है। और हमने इसी आशा और विश्वास के साथ में इस बजट में प्रावधान किए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों में सब में हमने अच्छे प्रावधान किए हैं। और इस बार भी बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, पहले से जो चल रही है योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहां तक सवाल राशि बढ़ाने का है तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में और जनता ने ही आशीर्वाद देकर के बिठाया है, तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वो सब काम हम करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा और कोई योजना हम बंद करने वाले नहीं। माननीय मंत्री देवड़ा साहब, भाई 5 वर्ष का संकल्प पत्र है, हम पूरा वादा करेंगे, पूरा वादा पूरा करेंगे, कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, जो कहा है वो करेंगे। ये हमको पता है, ये हमको पता है कि जनता ही आशीर्वाद देती है, जनता के बीच में जो कहा वो करना है, जनता के बीच में फिर हमको आगे जाना है। मंत्री जी, सवाल ये है कि आपने प्राकृतिक खेती की बात की है, उसमें 30 करोड़ का बजट रखा है, उसमें बजट से आप करने वाले हैं कि जैव विविधता में सुधार करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे किसानों की, किसानों की आय बढ़ाएंगे, तो 30 करोड़ में किस किस किसान को कितना पैसा देंगे? जिन विभागों में अगर राशि कम भी है तो मैं आपसे
आग्रह कर रहा हूं कि उसमें राशि की कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई योजनाओं में कमी आएगी। अगर प्रावधान कम भी होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। ये मेरी जिज्ञासा यह है कि विधायकों के कार्यालय पे 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, तो उसमें क्या क्या आप उनको सुविधाएं देने जा रहे हैं 5 लाख में? मंत्री जी ये बता चुके हैं पहले। आप अपनी जानकारी को क्लियर कर लें, हेल्थ में कम बजट नहीं है, हेल्थ में बजट को बढ़ाया गया है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हेल्थ मैनपावर। हमारे यहाँ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, ये स्टाफ हमारे अस्पतालों में हमारे मरीजों के लिए उपलब्ध हों, इसके लिए 40,000 से ज़्यादा नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है उसके मापदंडों के अनुरूप ये 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 माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आप बजट में बताया कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि मैं आईपीएचएस को लागू करूंगा, इस बार उन्होंने बताया कि आईपीएचएस को हमने लागू कर दिया है और नए पद सृजित कर दिए गए हैं। इन पदों में नियुक्ति होगी तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और इनसे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री जी, सवाल ये पूछना, योजना जो है इसमें आपने मात्र 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह जो मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना है ये 301 करोड़ रुपए मात्र दिया आपने। आपको लगता नहीं कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार का ये अमाउंट बहुत कम है? और ये जो मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में बता दूं कि बच्चे परेशान रहते हैं, उनको समय पर इसका भुगतान नहीं हो पाता। आप चाहें तो ये जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं निश्चित रूप से ये इसकी चिंता पूरी की जाएगी और कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री जी इधर भी देख लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बता देंगे। आप आ जाएगा, मैं आपको बता देंगे, पूरा कैलकुलेट करके ये बता। मंत्री जी जे आपने महिला बाल विकास, चलो मंत्री जी बात इंटरेस्ट पेमेंट का आपका जो क्वेश्चन है, योर फिगर्स आर राइट एंड दैट फिगर इज नॉट way beyond our means. It is within our means, and I let me add to that in spite of doing that, we will only borrow to spend on capital expenditure. We are a revenue positive state, please understand that. We will only borrow and spend in infrastructure. Punjigat vyay hum usse karte hain. So 10.4%, yes, we are at that point, but we are not beyond our means. मंत्री जी ये सारे आंकड़े आपको अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मैं एक एक आंकड़ा जो भी है देवड़ा जी सब उपलब्ध करवा देवड़ा जी। माननीय मंत्री, एक प्रश्न मेरा है देवड़ा जी, आप प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बजट लाने की बात कर रहे हैं।